बंगाल के पहले रिवॉल्यूशन में हमने जाना कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेजों का एक मातहत मीर जाफर गद्दी पर बैठा। मीर जाफर की गणना हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक गद्दार के रूप में करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एंशियंट एज में आम्बी के गद्दारी के कारण सिकंदर ने पोरस को परास्त किया था और मध्य युग में जयचंद की गद्दारी के कारण गोरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। एंशियंट एज में आम्भी, मिडाइवल एज के आरंभ में जयचंद और मॉडर्न एज के आरंभ में मीर जाफर की गद्दारी से भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना हुई। मीर जाफर ने गद्दारी तो की लेकिन इसके एवज में उसको यह पुरस्कार मिला कि उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। ये उसकी एक महत्वाकांक्षा भी थी, वह बंगाल का नवाब तो बन गया लेकिन अगले 3 वर्ष के पश्चात उसे नवाब की यह गद्दी त्यागनी पड़ी। मीर जाफर सबसे कमजोर नवाब के रूप में जाना जाता है, वह अंग्रेजों के कृपा से उनकी मदद से बंगाल का नवाब बना था और वह पूरी तरह से शासन प्रशासन में अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था। इसी के शासन काल में शहजादा अली गौहर, जो बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना गया, उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला की मदद से तत्कालीन बंगाल के एक हिस्से में जो आज बिहार के नाम से जाना जाता है वहां पर हमला बोला। उस क्षेत्र को प्राप्त करने का उसने प्रयास किया लेकिन एक तरफ क्लाइव और दूसरी तरफ मीर जाफर के पुत्र मिरन ने उसकी इस आयोजना को, उसकी इस प्लानिंग को उन्होंने फेल कर दिया। एक दो मर्तबा और उसने बिहार के क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन इसमें वह सफल नहीं रहा। इस बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट किया था, व्हाइट पेपर पर समझौता किया था कि मैं नवाब बनने के पश्चात इतनी राशि या ये क्षेत्र अंग्रेजों को दूंगा, उसको वह पूरा नहीं कर पाया। जब व्यक्ति विपक्ष में होता है सरकार की आलोचना की जाती है लेकिन विपक्ष वाले जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनको यथास्थिति का ज्ञान होता है। मीर जाफर के साथ भी ऐसी स्थिति थी। मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया लेकिन बंगाल का खजाना इस समय कोई भरा समृद्ध नहीं था बल्कि खाली था। वह सोचा कि खजाना से पैसा निकालकर अंग्रेजों को दे दूंगा लेकिन खजाना तो खाली था। यहां तक कि मीर जाफर को महल के बर्तन बेचने पड़े, इसके बाद भी अंग्रेजों के मुंह को वह भर नहीं सका। अंग्रेजों की इस डिमांड के अलावा अन्य डिमांड भी थी जिसको पूरा नहीं कर पाया और अगर उसमें योग्यता होती तो शायद अन्य प्रकार के टैक्स लगाकर वह अंग्रेजों की डिमांड को पूरा कर पाता। लेकिन मीर जाफर एक साहसहीन और अयोग्य व्यक्ति था। उसने अंग्रेजों को 24 परगना की जागीरदारी भी दे दी, बर्तन बेचकर धन भी दिया लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज उससे संतुष्ट नहीं रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। यही क्लाइव फरवरी सन 1760 में इंग्लैंड रवाना हो गए और उनके स्थान पर एक अस्थाई गवर्नर के रूप में हॉलवेल का शासनकाल शुरू हुआ और इसी के शासनकाल में मीर जाफर को गद्दी से हटाने का प्रयत्न शुरू हुआ। मीर जाफर ने अपने आप को एक दुर्बल शासक के रूप में प्रोजेक्ट किया और अंग्रेजों ने जब उनसे धन की मांग की या धन की अपेक्षा की तो उसने हाथ खड़े कर दिए। यानी अब मीर जाफर अंग्रेजों के किसी भी काम का नहीं रहा। इसलिए अंग्रेजों ने
उससे यह कहा कि आपने जो संधि हमसे की उसकी शर्तों को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जो अस्थाई गवर्नर हॉलवेल बना था वह यह चाह रहा था कि उसे गवर्नरी मिलने के एवज में मीर जाफर का दायित्व बनता है कि वह उसको नजराना पेश करे या उसका सम्मान करे। मीर जाफर क्लाइव का सम्मान करता था, लेकिन अब क्लाइव नहीं है, उसके स्थान पर हॉलवेल उसके अस्थाई गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था, और इसके साथ मीर जाफर का कोई बहुत अच्छा मेल मिलाप भी नहीं था। दूसरी ओर भारत में जो यूरोपियंस आए, आप लोगों को ज्ञात होगा पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए, 18th सेंचुरी में अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में संघर्षरत रहे। 1498 में 17th मई को वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। 8 जुलाई सन 1497 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से वह चला और 17 मई 1498 को उसने कालीकट के बंदरगाह पर कदम रखा। यानी भारत में जो 16वीं सदी थी उस व्यापार पर पुर्तगालियों का वर्चस्व रहा, और उनकी जो पॉलिसी थी नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी भारत के तटीय क्षेत्र में ही उन्होंने व्यापार और वाणिज्य में इंटरेस्ट लिया। लेकिन बाद में ब्राजील में उनकी रुचि हो गई और भारत आना उन्होंने कम कर दिया, लेकिन भारत में उनके कहना चाहिए औपनिवेशिक क्षेत्र रहे। और उसके बाद डच लोग भारत में आए, हालांकि भारत को एक स्टॉपेज के रूप में वे इस्तेमाल करते थे, दक्षिण एशिया के अन्य देशों में वे जाते थे, और यह माना जाता है कि 17th सेंचुरी के व्यापार में डचों का प्रभाव रहा, और 18th सेंचुरी में भारत में दो शक्तियां प्रभावशाली थीं, एक अंग्रेजों की शक्ति और दूसरा फ्रांसीसियों की शक्ति, और हम ये भी जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार हो नहीं सकते, इसलिए दक्षिण भारत में इनके बीच संघर्ष तो जारी था ही। हम पूर्व की ओर जब आते हैं तो हम पाते हैं कि बंगाल में, जो कि उस समय का एक बड़ा रिच एरिया माना जाता था, उस क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपने लिए संभावनाओं की तलाश की, और जो बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियां थीं उसने अंग्रेजों को एक मौका प्रदान किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की चाबी बंगाल में थी, जिसको क्लाइव ने ढूंढ लिया, प्राप्त कर लिया, और डुप्ले भारत की चाबी को मद्रास में खोजने का प्रयत्न कर रहा था, जिसमें वह सफल नहीं हुआ था। यहां पे हमें देखते हैं कि मीर जाफर अंग्रेजों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था, या उनकी अपेक्षाओं या उनकी आकांक्षाओं पर वह खरा नहीं उतर पा रहा था, और अंग्रेजों को एक डर यहां पर यह बन रहा था कि नवाब मीर जाफर, जो हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, वह हमारे विरुद्ध डचों से कहीं मदद ना प्राप्त कर ले, क्योंकि डच इस समय थे, हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो एक पत्राचार के बारे में भी कुछ बातें हमें जानने और सुनने को मिलती हैं कि नवाब मीर जाफर डचों के साथ कुछ पत्राचार कर रहा था। अंग्रेज व्यापारी थे, धन प्राप्त करने की लालसा उनमें थी, और उन्होंने अब मीर जाफर से के विरुद्ध एक नया मोहरा ढूंढा। वह मोहरा था उसका ही एक सगा संबंधी और तत्कालीन समय का सेनापति मीर कासिम, जो जैसा करता है वैसा भरता है। मीर जाफर ने अपने नवाब के प्रति गद्दारी की। अब यहां पे हम देखते हैं कि मीर कासिम, जो कि रिश्ते में सगा संबंधी भी था और तत्कालीन समय का सेनापति भी था, उसने तत्कालीन नवाब मीर जाफर के विरुद्ध एक एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ किया। इस एग्रीमेंट में मीर कासिम ने यह तय किया कि वह अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव देगा। अंग्रेजों के पास
24 परगना पहले से था जो कि मीर जाफर से उन्हें मिला था। मीर कासिम ने उसमें तीन और परगनों को जोड़ दिया, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का क्षेत्र वह अंग्रेजों को देगा। इसके अलावा जो कर्ज मीर जाफर का बचा हुआ है उस कर्ज को वह चुकाएगा। इस समय दक्षिण में कर्नाटक युद्ध हो रहे थे, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके लिए स्पेशल या विशेष तौर पर मीर कासिम ने कहा कि मैं 5,00,000 रुपया दूंगा। अंग्रेजों को प्रलोभन देने के उद्देश्य से उसने वेंसी टॉर्ट को कहा कि आपको 50,000 पाउंड, हॉलवेल को कहा आपको 27,000 पाउंड, काउंसिल के मेंबर्स को कहा आप लोगों को 25,000 पाउंड दूंगा। तो जो एक समझौता मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ उसी के अनुरूप मुरादबाग में मीर जाफर को आमंत्रित किया गया और उसे यह कहा गया कि वह मीर कासिम के पक्ष में बंगाल के नवाब के पद का त्याग करे। मीर जाफर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अंग्रेजों से एक आग्रह किया कि उसे कुछ परामर्श करने का, विचार करने का समय दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे समय नहीं दिया और अगले ही दिन मीर जाफर को मीर कासिम के पक्ष में पद त्याग करना पड़ा। वह कलकत्ता चला गया, उसे पेंशन दे दी गई और इस तरह बंगाल की दूसरी क्रांति जो रक्तहीन क्रांति थी हुई और इस क्रांति में हम बंगाल में नवाब के पद पे मीर कासिम को बैठे हुए देखते हैं। इसकी तीसरी कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि मीर कासिम ने किस तरह अंग्रेजों की शर्तों को पूरा किया और बाद में उसका अंग्रेजों से किस तरह से संघर्ष हुआ। थैंक यू।